हाँ जी मैम, क्या कहना चाह रहे हो जो पबजी गेम चल रही है इसके बारे में? पबजी के बारे में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जहाँ सरकार ने इतनी ऐप्स बंद की है, इतनी गेम्स बंद की है, वहाँ मैं चाहती हूँ कि इस गेम को भी बंद किया जाए। बिकॉज ये एक ऐसी गेम है जिसे बच्चे सारी सारी रात खेलते हैं, सारा सारा टाइम खराब करते हैं। आजकल का जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत सारा पैसा खराब कर रहे हैं, पेरेंट्स भी इसमें बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहे हैं। बिकॉज ऐसे कई मामले देखने में आए हैं, जैसे मोहाली में इस तरह का केस हुआ है कि 16 लाख रुपए एक अकाउंट से निकले जा चुके हैं और एक जगह देखा गया कि 4 लाख रुपए निकल चुके हैं। तो इस तरह के ऐप्स को, गेम्स को मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ बंद की जाए और इसके खिलाफ एक्शन जल्दी से जल्दी लिया जाए। जहाँ बाकी ऐप्स बंद किए हैं वहाँ ये ऐप भी बंद की जाए। हाँ जी, की कहना चाहेंगे पबजी गेम बारे से? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि ये गेम बैन करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि इससे युवा पीढ़ी अफेक्ट हो रही है। वो दिन रात अपना मतलब करियर के बारे में नहीं सोच पा रही है कि अगर कोई बच्चा प्लस टू में है, अगर उसने आगे अपना करियर बिल्ड करना है, तो वो दिन रात अपना पबजी में लगा रहे हैं। वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं मतलब अपनी स्टडीज़ पर, अपने करियर पर। और एक कारण ये भी है पबजी खेलने का कि पबजी डिप्रेशन का कारण बन रही है बच्चों में, कि बच्चे सोचते हैं कि यार हम मर गए, हमने आज मैच नहीं खेला, हमारे दोस्तों ने हमें हरा दिया या कोई बाहर वाला आके हमें हरा गया। ऐसे करके काफ़ी डिप्रेशन का कारण भी बन रही है पबजी। तो एक मैं और कहना चाहूँगा कि जो प्ले स्टोर के नीचे, हर ऐप के नीचे ना एक ऑप्शन होती है इन ऐप परचेजेस करके। उसका क्या मतलब होता है कि आपको उस ऐप में एक ऑप्शन मिलेगी कि आपने अगर कोई आर्मर खरीदना है, कोई गन खरीदना है, तो आप रियल मनी पे करके उसको वो कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये इंसिडेंट हुआ है अभी कि 16 लाख रुपए किसी बच्चे ने वो कर दिए अपने पेरेंट के अकाउंट से निकाल के और उसमें पबजी गेम में डाल दिए। तो वो वैसे ट्रांजैक्शन हो गई थी कि अभी हमें पता नहीं चलता बच्चों को जो नॉर्मल होते हैं कि बस एक क्लिक की बात होती है कि वो पूछता है कि डू यू वांट टू अलाउ कि हम आपकी ट्रांजैक्शन कर सकें। तो वो एक पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि वो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल या कुछ भी ऐसे पर्सनल उसमें अपने फ़ोन में ना भर के रखें, क्योंकि फ़ोन का जो ऐप होता है वो सीधा आपके उसको अकाउंट को असेस करते हैं एंड सिर्फ एक क्लिक से आपकी ट्रांजैक्शन आराम से हो सकती है। तो ये मेरी गुजारिश है कि इस ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं उनको बंद किया जाए। किससे मांग करते हो आप बंद करने के लिए? मैं सरकार से मांग करता हूँ। हाँ जी, क्या कहना चाहती हूँ जो पबजी गेम चल रही है इसको? जो पबजी गेम चल रही है ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों को आज के टाइम में नुकसान दे रही है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ बच्चे नहीं, इसके साथ बड़े भी जो हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, जो आज की युवा पीढ़ी है। तो क्योंकि बच्चों को जो ये गेम है ये एक तरीके से इनके जो दिमाग है उसको कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि उस गेम में इतने एडवेंचर आते हैं आगे से आगे, तो बच्चे आगे से आगे और स्टेप बढ़ते उसमें करते जाते हैं कि मैं इसमें ज़्यादा और गेन करूं। मुझे जैसे उनमें आता है कि ड्रेस मिलेगी, तो उनको बच्चों को लगता है कि मैं सबसे अच्छा दिखूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो बातें करते हैं आपस में गेम की, तो उनको लगता है कि मैं उससे बेहतर करूँ। तो जैसे बच्चे अपना पढ़ाई में कंपटीशन करते हैं, वैसा ही इस गेम में भी अब कंपटीशन कर रहे हैं। तो इसमें दिक्कत ये है, इस गेम में गेम्स तो बहुत सारी हैं, ऑनलाइन जो गेम्स चल रही हैं बहुत सारी चल रही हैं, पर इसमें क्या दिक्कत हो रही है कि इसमें बच्चों के पैसे खर्च हो रहे हैं। तो वो जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो बच्चों को नहीं पता चल रहा कि वो चीज़ उनके पेरेंट्स को भी इनडायरेक्टली सफ़र कर रही है। तो अभी जैसे सुनने में आया कि दो जगह पे, एक जगह पे 16 लाख का बच्चे ने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिया मनी, एक जगह 4 लाख कर दिया। तो मैं तो यही मांग करती हूँ सरकार से कि इस तरीके की गेम्स जो कि बच्चों को मेंटली भी परेशान करती हैं और फाइनेंशियली भी जो उनके पेरेंट्स हैं उनको नुकसान पहुँचाती हैं, तो इस तरीके की गेम्स बंद होनी चाहिए। इसके अलावा हम कहें कि बच्चों के पास फिर ऑप्शन क्या है कि अगर बच्चे गेम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो इसके अलावा पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को अपना समय दें ताकि बच्चे अकेला महसूस ना करें और उनके साथ घूमें फिरें, उनके साथ आप पार्क में जा सकते हैं, उनको आप जैसे जो सामाजिक सोशल वर्क जिसको हम बोलते हैं उस तरीके की बातें उनको समझा सकते हैं। आजकल बहुत आइसोलेटेड फैमिलीज़ हैं
तो उसमें बच्चों को दिक्कत है, तो हमें बच्चों को समझते हुए पेरेंट्स को उनकी मदद करनी चाहिए ताकि इस तरीके की गेम्स में बच्चे ना फंसे। और सरकार से गुजारिश करूंगी कि इस तरीके की गेम जो नुकसान करें वो बंद करें। धन्यवाद।